गाड़ी तो देखो किस किस तरीके से मतलब गंदी है, जैसे कि कभी कशन वाशन कुछ लाते हैं तो जैसे ये गिर गया अंदर, अब ये ब्रश से मार के हम ऊपर उठाने में ना कैसे भी करो साफ होगा नहीं। हे गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी जस्ट मैं नहा लिया हूँ और आज है सैटरडे 2 अक्टूबर, छुट्टी है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे भाई सुबह सुबह कैसे नहा लिया, ये चमत्कार कैसे, तो सैटरडे है जल्दी नहा लिया क्योंकि सैटरडे संडे को मैं कोशिश करता हूँ मंदिर जा पाऊँ और थोड़ा सोशल वेलफेयर कर सकूँ, तो उसी के लिए आज सुबह सुबह उठ गया हूँ, मंदिर चलेंगे। सबसे पहले तो कपड़े पहन के मिलता हूँ मैं आपको, और ब्लॉग इतने टाइम से क्यों नहीं आया था वो भी ब्लॉग के बीच में बताऊँगा, तो अब इतना लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, ये तो हो गया मैं रेडी और बाल भी सेट कर लिए हैं और चलेंगे अभी मंदिर, मेरे घर के पास में ही, ज़्यादा कोई ऐसा दूर नहीं जाना, तो वहीं चलते हैं। अभी बज रहे हैं 7:40 और 20-30 मिनट लगते हैं हमें प्रॉपर अच्छे से पूजा वगैरह कर लेने में अच्छे से, और अभी आए हैं दूध लेने मदर डेयरी पे, तो दूध ले रहे हैं वहाँ से और उसके बाद चलेंगे घर पे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर देखते हैं आज दिन में क्या क्या काम पड़ते हैं। और आज तो एक सबसे बड़ा काम जो है गाड़ी साफ़ करनी है, जिसके लिए आपने ये ब्लॉग खोला भी होगा, तो कोशिश करेंगे वो हो, मुझे यहाँ तक लग रहा है हो जाएगा आज, तो ब्लॉग में बने रहो और लाइक कर दो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:40, जल्दी उठ जाओ ना तो जल्दी भूख भी लग जाती है। अभी ब्रेकफास्ट आ गया है और ब्रेकफास्ट में है पोटैटो सैंडविचेस और चाय, यहाँ पे केचप, तो ठीक है यार, लेकिन ये अब थोड़ा सा खट्टा सा है और ये मीठा है, पता नहीं कैसे खाएंगे इसको। ठीक है, खा लेगा भाई यदन? पता नहीं कैसे। बढ़िया भैया, आज बहुत सारा काम है भाई, वैक्यूम क्लीनर से साफ भी करनी है दोनों तीनों गाड़ियों को, गाड़ी भी साफ करनी है, जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आज का दिन तो भाई थकान वाला होगा। अभी आया हूँ मैं पापा के ऑफिस पे और ये जो हमारा पुराना टीवी था ना हटाया, जिसको रिप्लेस किया है 55 इंच से, उसको टेम्परेरी रिसेप्शन पे लगा रहे हैं, जब तक हम नया नहीं लेते, तो हमें एक कॉन्फ्रेंस के लिए भी लेना है और रिसेप्शन के लिए भी लेना है, तो जब तक नहीं ले रहे जब तक इसको हमने रिसेप्शन पे ऐसे ही टेम्परेरी फिट कर रहे हैं, तो वो करते हैं। चलो देखो, ये वैसे 32 इंच का ही है, तो इसको फिट कर देते हैं जब तक नहीं है, जब तक तो काम आएगा ही। इसको बीच में लगाओ मेरे तो, लेकिन भैया टीवी भी तो छोटा है, बहुत छोटा है, तो 6 इंच कम तो मेरा मॉनिटर रहने देते, उसी पे लाके डाल देते, ये तो खिलौने की तरह है, दो हाथ में। वाओ, कितना छोटा टीवी, लेकिन बड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये क्या लग रहा है यार, यहाँ पे तो बड़ा ठीक लग रहा है, ऊपर कोने में फिट कर दो ये उतार के। तो अभी तो मैं नीचे अपने नए वाले घर में आ गया हूँ, ऊपर नीचे ये ज़्यादा वो नहीं है डिफरेंस, और अभी ये अपना नया वाला टीवी चलाएंगे, इस पर कुछ 4K वीडियोस देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको चला नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को, और देखते हैं थोड़ा बहुत चला के कितनी देर मैं इसको चला पाता हूँ, और अभी तो एक ब्लॉग देखूँगा। तो इसके बाद आज वैसे ही बहुत थकान हो रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का, और ये जो मौसम है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ी बना देता है आदमी को, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर देता है ये अक्टूबर नवंबर वाला मौसम, तो गाड़ी भी साफ़ करनी है आज, करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर एक बार वीक स्टार्ट हो गया तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सैटरडे संडे को करना पड़ेगा। अपने पास ड्राइवर था, अब उसके बाद कुछ तो भी सीन हुआ जिसकी वजह से अब वो उन जॉब पे नहीं है, हम नए के लिए ढूंढ रहे, ड्राइवर हंट कर रहे हैं, लेकिन कोई सही का ढंग का मिल ही नहीं रहा है, कई सारे आए लेकिन कोई सही ढंग का मिला नहीं, तो सब कुछ कुछ एक एक महीने आधे महीने में हट गए, तो इसलिए अब मेरे को ही करना पड़ेगा, कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा है, और ऐसे बार बार रख लो तो उसका भी फ़ायदा नहीं है, तो अभी मेरे को करना पड़ेगा, उसके बाद जब एक अच्छा परमानेंट ड्राइवर आ जाएगा तो फिर खुद करता आएगा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं आज। तो गाइस अभी तो मैं देख रहा हूँ मैकेनिकल सर का व्लॉग, क्योंकि ये 4K में व्लॉगिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, और हमेशा ये कहते हैं कि टीवी पे देखना व्लॉग, तो आज मैं पहली बार मतलब मेरा जो पुराना वाला टीवी है ना, मतलब जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसमें, तो वो फुल एचडी तो है लेकिन 4K नहीं है, तो इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ उनका ब्लॉग देखकर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है, मज़ा आ रहा है देखने में, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, तो इसको एंजॉय करता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ क्या सही है। तो गाइस वो टाइम आ गया जिसके लिए
आप में से कुछ लोगों ने स्पेशली वीडियो खोली होगी जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर भी नहीं है, तो फटाफट अपने वैक्यूम क्लीनर को अनबॉक्स करते हैं। मैं ऐसे ही पैक करके रख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है, कई बार बाहर से करा देते हैं, कई बार जब करना होता है खुद से तो इसको खोलते हैं क्योंकि मशीन भी तो चालू होती है नीचे, तो कई बार हम लोग जानबूझ के खुद ही साफ़ करते हैं। शौक शौक में ली थी मशीन, लेकिन अच्छी है, ठीक है, होनी चाहिए। बाकी कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया। और यहाँ पे लो में ज़्यादा मज़ा नहीं आ पा रहा है। पैक करके रखा हुआ था वैक्यूम क्लीनर और मुझे लगा एकदम साफ ही होगा, लेकिन उसके अंदर पता नहीं किसी ने यूज़ किया होगा फैमिली में से, तो बिल्कुल डस्ट भरा हुआ था। उसका जो एक टाइप ऑफ फिल्टर है ना, वो पूरा समझ लो कि चोक सा हो रखा था, वैक्यूम उसमें बढ़ ही नहीं रहा था। वरना उसमें क्या है कि वो 6 सेंटीमीटर दूर से ही अच्छी खासी पुल कर लेता है, तो वो हो नहीं था। फिर मेरे को डाउट हुआ, मैंने खोल के देखा, तो जैसे मैंने खोल के देखा कुछ मिट्टी तो मेरे रूम में ही गिर गई, उसमें चिपकी हुई थी वो था। उसके बाद फिर उसको जब झाड़ा ना, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई और छत पे आके मैंने झाड़ा था उसको, वो अलग सीन हो गया। उसके बाद जो स्पेशली आज गाड़ी साफ़ करनी थी ना नेक्सॉन, वो यहाँ पे है ही नहीं। और चलो कोई नहीं, हेक्सा साफ़ कर देंगे आज, और एंडेवर नहीं करेंगे, एंडेवर तो अभी साफ ही है क्योंकि नेक्सॉन में मैट्स नहीं है ना, तो नेक्सॉन कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई अंदर से, इसमें तो मैट्स है तो ज़्यादा नहीं हुई है। देखते हैं, आगे निकालता हूँ पहले तो इसको, घर के पास जस्ट साइड में ही। गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और 3 बजे तो अभी वेस्ट के साइड जा रहा है और मेरी तरफ ऐसे आ रहा है एकदम टेढ़ा, तो मेरे को लग रही है धूप। खैर अक्टूबर की धूप तो काफ़ी अच्छी होती है, अक्टूबर नवंबर की बहुत ही स्वीट सी होती है, तो लेकिन क्या है ना कि अभी गर्मी गई नहीं है। धूप तो अच्छी होती है अक्टूबर की, लेकिन अभी गर्मी गई नहीं है, तो वो थोड़ा सा मतलब पसीना आएगा, और वैसे मेरे को बहुत पसीना आता है। देखते हैं, करना ही पड़ेगा, क्या करें यार। अगर आपके जानने में कोई हो ड्राइवर तो हमें प्लीज़ बताना यार, मेल कर देना मेरे को, नहीं तो यार कमेंट बता देना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिसको आदत होती है ना उसको प्रॉब्लम होती है, जिसको आदत नहीं होती उसको तो रहता है, लेकिन ठीक है, सारे काम करने चाहिए, अच्छा रहता है और हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो करते हैं इसको, और अभी कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी पी के करेंगे। और अभी मैं इतना अपना पसीना सुखा रहा हूँ AC ऑन करके, पता नहीं क्यों सुखा रहा हूँ, फिर निकलूँगा बाहर साफ़ करूँगा तो फिर पसीना पसीना हो जाएगा। वो अपनी कॉफ़ी आ गई, जतन बना के लाया है, और ऐसा लग रहा है ड्राइव थ्रू है, तो घर के जस्ट बाहर ही देखो ना यार, ये मेरा गेट है और जस्ट ही निकल के लाया यहाँ पे, समझ लो ड्राइव थ्रू वाला एक्सपीरियंस। तो सही है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है क्योंकि गर्म और ठंडा से ना फिर तबीयत ख़राब हो सकती है, बाहर गर्मी है अंदर ठंडा है, पी लो तो हो जाता है, पता नहीं कुछ तो भी बुखार लग जाता है। गाइस यार मैं ना ज़्यादा टाल नहीं सकता क्योंकि एग्ज़ाम मेरे पास आने वाले, आप लोगों को तो पता ही होगा कि टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम हो गया और मैं तो 10th में ही हूँ, तो नवंबर के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं ज़्यादा टाल नहीं सकता, और टालूंगा तो फिर काम भी नहीं होगा, मतलब रुका रहेगा इतनी देर तक, तो करना पड़ेगा। आज ही कर देता हूँ, अभी फ्री हूँ, अभी मेरे पास तो 1 महीना है, तो ठीक है आज का दिन मैं लगा देता हूँ, आज सैटरडे वैसे भी। एक तो मेरे को ना यार एक कैमरा फ़ोन लेना है क्योंकि DSLR से मतलब ऐसा करेंगे ना, आईफोन ले लेंगे, आईफोन की मैं कह रहा हूँ कि मतलब अच्छा आईफोन से, मेरे को आईफोन की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। सैमसंग लिया यार मज़ा नहीं आया उसमें, मतलब सेल्फी वाले कैमरे में, बाकी आगे तो बहुत बढ़िया है, रियर तो अच्छा है, लेकिन रियर से ब्लॉगिंग करने में मेरे को अभी बिगनर हूँ तो प्रॉब्लम होती है। तो यार 1K करा दो यार, तो मैं सोचूंगा कुछ सीन बनाऊंगा, 12 नहीं तो 13, या तो मम्मी वाले ही ले लूंगा, मम्मी को नया दिला देंगे, 11 मैं ले लूंगा, मम्मी को 12 या 13 दिला देंगे, देखते हैं कुछ भी, लेकिन 1K तो कराओ यार, वरना मैं कैसे सोचूं इन्वेस्टमेंट करने की। तो DSLR से प्रॉब्लम होती है, कई जगह मना भी कर देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो फ़ोन से कर सकते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है यार। 1K कराओ फटाफट, 525 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और सिर्फ बचे हैं 475 बचे हैं, सिर्फ 475 बचे हैं। अच्छा 475 बचे हैं, तो पता ही नहीं था। तो गाड़ी तो देखो किस किस तरीके से मतलब गंदी है, जैसे कि कभी राशन वाशन कुछ लाते हैं तो जैसे ये गिर गया अंदर, अब ये ब्रश से मार के हम ऊपर उठाने में ना कैसे भी करो साफ होगा नहीं। और जैसे कि यहाँ पे देखो फूल पत्तियाँ टाइप, मतलब कुछ भी खाने पीने का सामान अंदर में है, ये जो है कुछ कुछ
गाड़ी अंदर से जैसे कि ये सब देखो, डबल लेयर मैटिंग है, जैसे कि एक तो 70 मैट्स है, उसके बाद एक ये जो कंपनी से हमने लगवाए थे वो एक, ये नीचे तो पूरी ये हो रखी है लेयर टाइप जो भी कहते हैं इसको, मैट तो ये है। और कुछ कुछ ये जो चीज़ें हैं जैसे सीट्स के अंदर कुछ कुछ गिरा हुआ वो साफ करना है, बेसिकली करना है ना, मैट्स निकाल लो सारे, मैट्स निकाल लो, मैट साफ कर लो अलग, और एक बार अंदर से साफ कर दो, आराम से हो जाता है, वरना मुश्किल होती है, गाड़ी भी गंदी होगी बहुत ज़्यादा, टायर वायर देखो इसमें तो प्रेशर भी नहीं है। हाँ, तो ये इसका एक कवर है जो कि इसके अंदर फिल होने से इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये अंदर से गंदा नहीं होता, बाहर बाहर से जो भी है, और ये इसके ऊपर ऐसे लग जाता है, बाकी जो भी गंदगी है वो यहाँ से निकल के आती है और यहाँ रह जाती है। मेरे को लग रहा है चौक से हो गया क्योंकि बढ़िया चल नहीं रहा है। कमर की नस चढ़ गई, अरे बाप रे, एकदम से मैं ऐसे हुआ और एकदम से गाड़ी में एक कॉर्नर में ना फंगस लग गया है, पहले यहाँ पे एक नीचे भी लग गया था, अभी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे फंगस है कॉर्नर में, और वो भी कहाँ, इसके अंदर था, ये जो है इसके अंदर था नीचे, तो यहाँ पे भी देखो कितनी गंदगी है, तो जहाँ पे आप देख भी नहीं सकते वहाँ पे भी गंदगी पहुँच जाती है, तो इसलिए अच्छे से एक बार चेक करा करें और अच्छे से साफ़ कराएं, क्योंकि आप जब ना बुक कराने जाओगे आप किसी शॉप से या फिर किसी भी तो जो करते हैं क्लीनिंग वो इतने अच्छे से नहीं करते एकदम प्रॉपर कॉर्नर कॉर्नर में, वो फटाफट पैसे बनाने के लिए जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन अभी देखो मैं कितने आराम से बढ़िया से साफ़ कर रहा हूँ। तो गाइस टाइम हो गया है ब्लॉग को एंड करने का, और आज नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर है आज, और अभी बज रहे हैं 11, और ब्लॉग का यहीं पर समझते हैं। कल मैं कुछ ज़्यादा थक गया था, आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि गोलगप्पे आए हैं और मैंने उन्हें खाया और मैं बेड पे लेटा, मेरे को बड़ी तेज़ नींद आ गई, पता नहीं चला मैं कब सो गया। तो ब्लॉग का यहीं खत्म करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और नए हो अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना जाए कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी हर वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।